तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो अभी यहाँ पर हम खड़े हैं थोड़ा बालकनी में, बिल्कुल किचन टाइप का बालकनी है ये। और ये अभी अभी जस्ट उठे हुए हैं, तो फ्रेश हुए हैं और उसके बाद आपको हाय कर रहे हैं। हाय गाइस, और आप भी बता दो इन्हें। हेलो। तो हम जैसे ही वहां निकलेंगे उसके बाद आपको आगे का रूट दिखाएंगे। और जब तक मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ, तो दिन का समय हो रहा है, धूप निकल रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और ठंड भी नहीं है, हल्की वो ठंड है जो सिर्फ महसूस करने लायक है। वैसे है नहीं, अगर चलोगे घूमोगे तो बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कुछ भी। आप यहाँ से अगर दूर दूर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी यहाँ भी बिल्डिंग बनने जा रही है, तो यहाँ से बिल्डिंग बनने करीब 1 साल या 2 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग लगे हुए हैं और दूर दूर तक अभी इसी का ही काम चल रहा है। तो पिलर डल रहे हैं, सरिया वगैरह लग रहे हैं, तो इसका भी काम शुरू है। और यहाँ का काम अभी थोड़ा रोक दिया गया है, क्योंकि पानी का यहाँ पर अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, तो आपको वहाँ का वीडियो आपको दिखाएंगे। तो गाइस, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, और हम मैं भी रेडी हूँ और भैया भी रेडी है। तो आपको एक बार हाय कर रहे हैं भैया। अभी जस्ट लिफ्ट खुलते ही नीचे की तरफ जाएंगे, तो अभी हम 16 फ्लोर पे हैं। तो जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो हम निकलते हैं। तो बेसिकली पहुंच गए हैं और हम बाहर निकल रहे हैं। तो अभी हम आए हैं रास्ते में, तो यहाँ से बाहर के साइड जा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम निकले हैं बाहर, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और तेज़ भी धूप है काफ़ी। तो यही स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग अभी जाएंगे लोकल ट्रेन का पास बनवाने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम पास बनवा लेंगे तो हमारा ही फायदा रहेगा, कहीं भी आने जाने के लिए सफ़र कर सकते हैं पास से। और अगर पैसे से बार बार टिकट खरीदते रहे तो टाइम भी वेस्ट होगा, आप लोग बार बार अगर वही स्टेशन देखेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम एक बार पास बनवा लेते हैं, उसका घूमते रहेंगे और आपको जगह जगह दिखाते रहेंगे। बाकी साथ में भाई जो भैया है वही पास बनवाएंगे, तो अभी साथ में चल रहे हैं मेरे। तो हम वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं आगे चल के, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको बिल्डिंग दिखाने वाला था, तो यही है बिल्डिंग है। तो आप जो सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं एकदम एंड में, वही बिल्डिंग है। अगर मैं दिखाऊं भी जूम करके तो भी शायद आपको ना दिखे, अगर दिखा दो तो फिर मैं ये वाली बिल्डिंग है। तो अभी तो हम जा रहे हैं फिलहाल वहाँ पास बनवाने के लिए, क्योंकि मेन पहला पर्पज़ हमारा पास बनवाना है। पास जब बन जाएगा उसके बाद हमें भी खुशी होगी, आप लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अलग अलग जगह का टूर देखेंगे, माहौल देखेंगे और मुंबई के छोटे छोटे जगहों से भी वाकिफ़ होंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। बाकी आप हम साथ हमारे साथ बने रहिए, बहुत गर्मी हो रही है। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे जाके पसीना कितना निकल रहा है मेरे शरीर से, ताकि आपको भी यहाँ का सीज़न पता लगे कि सीज़न क्या है, यहाँ का मौसम कैसा है। बहुत फ़र्क है, 2 दिन हुआ आए हुए और एकदम से मौसम चेंज हो गया। ये वमन ढाबा है यहाँ पर, अभी तो है नहीं, शायद बंद होगा। हाँ हाँ वहाँ अंदर है, पीने का भी प्रोग्राम है वहाँ पे, बियर बार भी है। बियर बार है, सब चीज़ें वहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं आगे की साइड, जहाँ से हम परसों के डेट में आए थे। तो ये देखिए छोटा सा तालाब है,
और वही वाली बिल्डिंग है यहाँ से भी दिख रही है। नए गांव स्टेशन है, उसके बाद हम जाएंगे नाला सोपारा वसई रोड होते हुए। तो पहला जो काम था वो पहले कर ले, आपको ही मालूम होगा, तो आप ही बता दो, हमें बताने की जरूरत ही ना पड़े। कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिएगा और वहां पर अपने जवाब भी दे दीजिएगा जहां हम जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आपका है जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन करके ही डालिएगा वहाँ पर कमेंट में, कहीं ऐसा ना हो दूसरा क्वेश्चन हमने करा और दूसरा क्वेश्चन का आपने जवाब ये दे दिया हो। सो गाइस, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है वहाँ पहुँचने में, बिकॉज हम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से टेम्पो वगैरह या रिक्शा वगैरह ले ले तो बेसिकली क्या है, हम वीडियो बना नहीं पाएंगे। तो हमारा मोटिवेट ये है कि पहले हम आपको बम्बई के सड़कों से भी बातचीत करें, उसके बारे में भी आपको बताएं, और अलग अलग जगह जब हमको दिखाएंगे तो ऐसे क्या होगा, आपको भी थोड़ा नॉलेज होगा ऐसे जगह में है, तो ऐसे जगह वैसे जाना है, घूमना है। ये है पार्किंग, यहाँ पे हजारों से ऊपर ही गाड़ियाँ होगी, अनगिनत गाड़ियाँ, तो पार्किंग है ये। बहुत आगे तक में है, तो गाइस अभी हम मार्केट में आए हुए थे, तो ये मुंबई का नायगांव स्टेशन का मार्केट लगता है यहाँ पे। तो जस्ट हम अभी आगे की ओर जाएंगे, तो मुंबई मान लो के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक गार्बेज इलाका है, तो इसमें हर एक प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलते हैं। जी देखिए, शूज वगैरह पूरी मार्केट है यहाँ पर। ये हम नीचे जा रहे हैं, ये अंडरग्राउंड है रेलवे पार करने के लिए नायगांव स्टेशन का, तो अंदर से हम जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से अगर जाएंगे तो बेसिकली ट्रेन की पटरियां हैं, तो वहां से हम जा नहीं सकते हैं। ऊपर चढ़ रहे हैं, ये भैया जा रहे हैं, और बहुत गर्मी है तो हालत खराब तो चलने में ही हो जा रही है। तो गाइस हम यहाँ पहुँच गए हैं, साइड पार्किंग है साइड साइड में, और अब आगे जाएंगे
अपना पाथ बनवाएंगे। तो पाथ तो गाइस भैया बनवा रहे हैं, लाइन में लगे हैं। तो गाइस हम रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और यहाँ से अभी ट्रेन पकड़ेंगे। तो ट्रेन अभी आई नहीं है, जैसी आती है तो हम उसमें बैठेंगे। अभी जनरल ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ये चालू भी हो चुके, स्टार्ट भी हो रखा है। देखिए वहाँ पे ट्रेन आ रही है, हाँ ये थाने साइड से आ रही है ट्रेन जो आपको दिख रही है, पनवेल से। सारी ऐसी ट्रेन है ये पूरी। अंधेरी आए हुए हैं और तो यहाँ से कुछ ठंडा वंडा ले रहे हैं पीने वीने के लिए। जैसे हम यहाँ से पियेंगे और गला पूरा सूख चुका है तो ये भैया अभी सामान ले रहे हैं यहाँ से, तो जैसे लेते हैं उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। तो अभी जैसे उतरे हुए हैं अंधेरी। तो गाइस ये ट्रेन चल चुकी है और हमें भी अब दूसरी ट्रेन पकड़नी है यहाँ से। अंधेरी रेलवे स्टेशन में है इस वक्त हम, और अभी जा रहे हैं ऊपर की साइड, तो आगे जाके हमें दूसरी ट्रेन लेनी है। तो अभी हम आए हैं मस्जिद के प्लेटफॉर्म पर। तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी इसलिए हमने ट्रेन में वीडियो नहीं बना सका, तो ये हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो हम CSMT मार्केट यानी छत्रपति शिवाजी मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं और यही मार्केट है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे जाके आपको वहाँ के कॉस्मेटिक्स के सामान, ज्वेलरी के सामान, ये सब आपको दिखाएंगे और कम से कम दामों में आपको सामान, एक से एक सामान दिखाएंगे। आप भी देखिए और हो सके अगर लेना हो आपको, कोई बिजनेस करना हो तो उसके लिए भी
कॉन्टेक्ट करें, हमारे नंबर दिए हुए हैं सारे। ये गाइस मस्जिद एरिया है, यहाँ पर ई कॉमर्स के सामान, ज्वेलरी के सामान, शूज़ वगैरह एक से एक प्रोडक्ट मिलता है, तो हम आपको दिखाएंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ कपड़े की दुकान है, अगर आपको कोई भी सामान चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है और इस वीडियो में भी आपको नंबर दिख रहे होंगे। तो अभी जहां हम जा रहे हैं आपको ज्वेलरी के सामान दिखाने के लिए जा रहे हैं। से पहले यहां आने की हर किसी की इच्छा होती है और यहां से ख़रीदने के लिए भी, तो हर इंसान तो देख लेता है लेकिन ख़रीदना मुश्किल होता है। तो आज हम आपको यहाँ से हर एक सामान दिखाएंगे और भी खरीद भी सकते हैं आप लोग, जिनको देखने का ही सिर्फ इच्छा थी वो लोग आप खरीद भी सकते हैं। हाँ ब्लॉगर बोल रहा है, उधर भी कॉस्मेटिक का, उधर देखो है गुड्डे वगैरह। बहुत भीड़ है गाइस, ये सारी यहाँ के साइड साइड की दुकानें हैं। आपको जो भी सामान चाहिए कांटेक्ट कीजिए। अभी हम यहाँ पर आए हुए थे घूमने के लिए, तो घूमते घूमते भूख लग गया था, तो अब हम ये खाने जा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, शकरकंद। मैं चलते चलते रास्ते में जल्दी भूल जाता हूँ ना, तो इसलिए पूछना पड़ जाता है भैया से। तो बहुत अच्छा बनाते हैं, आप भी आइए इनसे खाइए। आपका नाम क्या भैया? देबूकांत इनका नाम है, मुंबई में है, और मुंबई अब आओगे तभी आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत टेस्टी बनाते हैं। और खा के मज़ा आता है, जैसे नींबू निचोड़े, मसाला डालें, और ये 40 रुपये का पाव देते हैं, पर हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया इन्होंने। तो खा रहे हैं, गला सूख गया है खाते खाते, मस्त है, चटपटा भी है। अभी हम यहाँ आए थे इस पार्क की तरफ, और यहाँ मार्केट लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो मार्केट को देखते समय सोचा मैं आप लोगों को सामान दिखा दूँ। ये देखिए पर्स वगैरह, खिलौना वगैरह, हर एक सामान यहाँ आपको मिल जाएंगे। और बहुत सस्ते से कम कम प्राइस में है, चीपेस्ट प्राइस में। दूसरे चैनल पर जाके आप मुझे विजिट करिए, वहाँ पर नंबर भी है, आप वहाँ से परचेज कीजिए। बम्बई की एक खासियत है कि यहाँ लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं किसी के वीडियो बनाने पर। ये देखिए गाइस, यहाँ पर चारों तरफ आपको सामान देखने को मिलेंगे, तो इसी मार्केट में भी हम आए हुए हैं। पूरा भरा हुआ है मार्केट, बहुत भीड़ है आगे, तो वीडियो हम रोक रोक के बना रहे ताकि आपको सही से दिखा सके।
हाँ गाइस, वॉच और गूगल्स मिलते हैं, शूज वगैरह सारे सामान। मैं आम का जूस पी रहा हूँ और भैया सेब का जूस पी रहे हैं। थक गए काफी देर चली रहे हैं। कितनी जल्दी ले ली है? अपने ले ली तीन जोड़ी ना। तो गाइस ये बिल्कुल मेन मुंबई में इस वक्त हम है, तो ये सामने का रोड है और यहाँ साइड साइड में जो दुकानें लगती है वो है। तो अभी जस्ट हम आए हुए हैं घूमने और कुछ सामान भी लेने आना था यहाँ पे, तो सामान भी लिए हैं यहाँ से और घूमे भी है। हम जा रहे हैं गाइस, तो आगे चलते हैं। तो अभी आगे जा रहे हैं और हम वापस घर की ओर लौट रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ की जो लोकल ट्रेनें हैं इसी से लोग सफर करते हैं, यात्रा आते जाते लोग। तो गाइस हम जो दूसरी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं पकड़ना है, जो हमें जिस ट्रेन पे हमें यात्रा करनी है। तो गाइस अभी हम नए गांव के मार्केट में आए हैं, यहां पर बाज़ार लगते हैं राइट साइड देखोगे तो आप लोग। तो अभी हम लोग घर के साइड जा रहे हैं कुछ सामान। तो गाइस अब हम घर के ओर जा रहे हैं, हमने वहां से घूम कर आ गए हैं पूरा, आपने देखा भी होगा। तो रात के 9:30 हो गए हैं और घर जाते जाते 10 बज जाएंगे। तो हमने सामान भी ले लिया है, जस्ट साथ में है सामान में। हमने ये टमाटर लिया है और भैया ने लिया है ये हरी सब्जी थोड़ी ली है, और आगे लेना है बाकी सामान। तो हो सके तो मैं आगे वीडियो बना नहीं सकूँगा क्योंकि सामान भी लेना है ना हाथों में, तो यहाँ से कोई जल्दी सवारी मिलती नहीं है। तो क्या है कि आगे पीछे भी देख के चलना पड़ता है यहाँ पर। तो अभी यहाँ से कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं आगे चल के देखते हैं, अगर आगे से कुछ होता है तो फिर हम आगे बताते हैं। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये पीछे ट्रक जा रहा है और आगे आगे हम। तो मेरे ख्याल से 10 तो बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, थोड़ा सा और आगे है। और अभी देख सकते हो बिल्कुल रात का सीज़न हो गया है, तो चारों तरफ आपको भी दिखता होगा। थोड़ा ऐसा सीन है अजीब, और यहाँ से ही जा रहे हैं, हाई कर रहे हैं आपको। तो कल फिर वीडियो आएगी, कल भी देखना। और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक शेयर भी करना, पसंद आए तो। बाकी इतनी फैमिली जो जुड़ी हुई है और आगे शेयर करिए और बड़ी फैमिली कीजिए। तो अभी हम आपको पीछे का सीन दिखाते हैं, तो अभी कितनी दूर जाना है हमें। रात का समय है तो इतना क्लियर तो नहीं आ रहा है बिकॉज तो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है जिसमें दो लाइट जल रही है एक साथ, वही बिल्डिंग है जिसमें हमें जाना है। तो पास जब जाएंगे तो बाकी आपको दिखाएंगे वहीं चलकर। मैं एंट्री कर चुके हैं। ये है स्विमिंग पूल जो रात के समय बंद हो जाता है, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे अपने फ्लैट पर। वहाँ जाकर खाना बनाना, उसके बाद आगे का प्रोसेस। तो रात काफ़ी हो गई है और हम अब पहुंचने ही वाले हैं जस्ट, और अब समझ लो पहुंच ही गए। तो यहां से अब एंट्री लिए, थक चुके हैं। क्या हुआ, बंद है? तो आज हमें पैदल जाना पड़ेगा ऊपर, देखो लिफ्ट जो है उसमें कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आज वो बंद है। बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अब हमारा गेट खुल रहा है। और गेट खुल चुका है, अब हम एंट्री कर रहे हैं। तो फाइनली हम घर आ गए हैं और गेट भी अभी लगानी है, अब लगा रहे हैं, लगा दिए। तो पहले सामान रखे, अब सामान रख दिए हमने यहाँ, और अब तैयारी होगी बनाने की। जब बनाएंगे तब आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा पानी पी ले, रेस्ट कर ले हम भी।